हेलो हाय दोस्तों, आज सोई को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ देव, आप सब लोग को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एसपीडी ऑक्टोपैड वर्ल्ड में। आप सोई का एक कमन रिक्वेस्ट था कि सर जी आप एक नेचर रिलेटेड एक पेज बनाइए जिसमें चिड़िया, कबूतर, गरजता हुआ बादल और पानी, विंड जैसे आवाज उसमें रहेगा उस पेज में। तो मैं आज उसी पेज के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ ये पेज आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसे लगा ये पेज। एंड पास में सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर देना एंड घंटी दबा देना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना। तो चलिए दोस्तों, देर ना करें, हम अब देखते हैं ये जो पेज है कौन सा पेड में कौन सा ट्यून है और इसको कैसे सेटिंग करेंगे हम। तो पहले मैं आपको ये जो इफेक्ट सब है, मतलब ये जो चिड़िया कबूतर का आवाज सब है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पेड में जो ट्यून है वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये है थंडर का इफेक्ट, मतलब जो गरजता हुआ बादल जो है उसका इफेक्ट है ये। चलिए सेकेंड वाला पैड देखते हैं। ये एक BGM जैसा है, इसको हम कोई भी ड्रामा वगैरह वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। चलिए तीन नंबर पेड में देखते हैं क्या है। ये जो ट्यून था ये एक जो बारिश होने से पहले एक जो मतलब आवाज देता है कि गरजता हुआ आवाज, ये उसका ट्यून है। उसके बाद चार नंबर पेड़ में देखते हैं, ये चैंस है जो गाने का पहले वाला पार्ट में हम प्ले करते हैं इसको कुछ इफेक्ट डालने के लिए, चांस। चलिए पांच नंबर पेड़ देखते हैं। ये दो टाइप का चिड़िया का आवाज है यहाँ पे, स्लो से टच करने से एक वाला पहला वाला जो है वो चिड़िया का आवाज आएगा एंड जोर से टच करने से इसका आवाज थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसमें टू टाइप्स का चिड़िया का आवाज है। तो चलिए देखते हैं हमारा छह नंबर वाला पैड। ये जो आवाज है हमारा जो पूरा सुनसान इलाका में जो हवा वहां पे चलता है पूरा धीर वाला आवाज जो पूरा साइलेंट जैसा, ये विंड का आवाज है, सिंपल विंड वाला। तो चलिए अब देखते हैं सात नंबर पेड। दोस्तों ये जो इफेक्ट है हमारा जो बारिश जब होता है बाहर उस टाइम का जो आवाज रहता है ये उस ट्यून है। इसको हम थोड़ा स्केलिंग थोड़ा एडजस्ट करके दिखाएं, इसमें पूरा मैच नहीं होता लेकिन एवरेज 90% ये पानी जैसा आवाज पूरा करता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा पैड नंबर 8 में क्या है। इसमें दो टाइप का जो हमारा कुत्ता रहता है डग, उसका जो भौंकने का आवाज स्लो टो, इसको धीरे से टच करने से थोड़ा पीच वाला आवाज सुनाई देगा और थोड़ा जोर से उसे टच करने से उसका ट्यून थोड़ा चेंज होता है। तो इसमें दो टाइप का बार्किंग वाला मतलब आवाज करने वाला कुत्ता जो होता है, कुत्ता का आवाज वो है। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं ये जो पूरा सेटिंग है जो इफेक्ट वाला ट्यून का, इसका एडिटिंग कैसे होगा, कौन सा पेड़ में कौन सा ट्यून का
उसका स्केलिंग कैसे होगा चलिए देखते हैं। अब दोस्तों चलिए अब देखते हैं इस पेज का एडिटिंग। फर्स्ट क्लिक मेन्यू, देन क्लिक INST, नाउ टच पेयर नंबर 1, ए बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पेयर नंबर 2, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पेयर नंबर 3, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पेयर नंबर 4, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पेयर नंबर 5, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पैन नंबर 6, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पैड नंबर 7, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। नाउ टच पैड नंबर 8, ए बैंक, बी बैंक, म्यूट ग्रुप, डायनामिक्स, एडिट, ट्यूनिंग, मूविंग, सॉफ्ट अटैक, टोन कलर, पिच स्वीप, वॉल्यूम, पैन, रिवर्स। HHCTRL। नाउ ऐड इफेक्ट्स। इफेक्ट टाइप लॉन्ग रिवर्ब, एडिट, डेप्थ, रिवर्ब टाइम, कैरेक्टर, प्री LPF, प्री HPF, प्री इको फ्रिक, प्री इको गैन, HF डैम्प, LF डैम्प, इक्यू लोगन, इक्यू मीड फ्रिक्यू, इक्यू मीड गैन, इक्यू हाई गैन, लीव वन, SCND। दोस्तों
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये जो पेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगा ये पेज, एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल में उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।